गरीब समाज पार्टी शोषित के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राजन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया के आवास पर लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हुए गठबंधन का प्रस्ताव रखते हुए राहुल गांधी से मिलकर लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का भरोसा दिलाया। जनपद में आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव फूलचंद मौर्य, गिरजापति यादव, आशा देवी, रविन्द्र कुमार, संजना देवी, शालिनी देवी, मनीष कुमार, शमशेर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम आपका है नेताजी? मेरा नाम है अशोक कुमार राजन। आप किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? गरीब समाज पार्टी शोषित के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप अभी आप अपने पार्टी को गठबंधन है तो आप दिल्ली चले गए थे, उस संबंध में क्या किस पार्टी संबंधित आप गठबंधन करना चाहते हैं? जी, मैं कांग्रेस पार्टी से जो है गठबंधन करना चाह रहा हूँ और 5 दिन पहले ही मैं वहाँ जा चुका था। आज मेरा पलायन यार अपने इस अम्बेडकर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और मेरी वार्तालाप श्री कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी हैं, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उससे विधिवत हमारी बैठ के बात हुई है और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के बारे में कि अभी ये नहीं क्लियर हो पाया है कि कितनी सीटें हमें वो देंगे। आगे कुछ उम्मीद दिलाए हम पार्टी की, मतलब गठबंधन है तो आपको कुछ? जी पूरा कन्फर्म हो गया है, वो बस हमको डॉक्यूमेंट्री अपनी देनी है, जितनी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जितने जिला अध्यक्ष हैं और सारे सूची देनी है हमारे कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की। जी उसमें हमारे मुद्दे और मांगे होंगी और उस वो सब हम रखेंगे, उसके बाद हमारा गठबंधन तय है और ये कन्फर्म है आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारी पूरा गठबंधन के साथ हम रहेंगे और सीटों के भी कंफर्म नहीं हुआ है। अभी सीट बंटवारे में जी आपको अभी जानकारी नहीं दी गई है? अभी तो पूरा अभी मामला चर्चा पे चला गठबंधन पे और सीटें अभी तो बाद में निश्चित